सुप्रभात। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का ही सब्जेक्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा केवल जयपुर का बच्चा नहीं रहा, पूरे राजस्थान के सारे बच्चे हमारे एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। और इस एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए माननीय सेक्रेटरी महोदया द्वारा पिछले दो दिन पूरी वेबिनार के उद्बोधन में हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को एक परिवार की तरह माना, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अधिकारी सब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहे और अपनी जीवन की यात्रा आनंद से करे। और ये जीवन की यात्रा तभी आनंदमय हो सकती है जब आप सब स्वस्थ रहेंगे और आनंद के साथ में यात्रा करेंगे। और आनंद की यात्रा के लिए सेक्रेटरी महोदय ने इतने सहज और सरल भाव में कहा कि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही। कौन कहता है कि ज्ञान का दीपक नहीं जल सकता, अपनी बौद्धिक लो से जलाओ तो सही। और बस वो सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि हर बच्चा आनंदन में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। और ये आनंदम की यात्रा शब्द ही हमको एक आनंद की अनुभूति कराता है। ये इतना गहराई लिया हुआ शब्द है और सेक्रेटरी महोदय की प्रेरणा की वजह से जब इस पे हम काम करते हैं तो हमें एक सुखानुभूति होने लगती है। और धीरे धीरे आनंदम की जो लक्ष्य बनाया हुआ है, कदम से कदम जब हम चलते हैं तो हमें सुख और बढ़ता रहता है। और अनंत मात्रा का जब हमें सुख मिलता है तो वो आनंद की ओर ले जाता है। और ये आनंदम की यात्रा हमारी जब सार्थक होगी, जब दूर दराज बैठा हुआ हमारा विद्यार्थी, वो चाहे बागीडोरा का हो, चाहे वो चूरू का हो, झुंझुनू का हो, सीकर का हो, बाड़मेर का हो, जैसलमेर का हो, सभी बच्चों के पास में जो हमारे एक अनुभवी लेक्चरर्स हैं उनका बौद्धिक ज्ञान का दीपक का जो गंगा निकल रही है वो हर एक बच्चे के द्वार तक पहुंचे और वो द्वार तक पहुंचे और वो आत्मिक रूप से वो बच्चा प्रसन्न हो, उसके परिवार के लोग प्रसन्न हैं और जो लेक्चर दे रहा है वो भी प्रसन्न रहे, ये सामूहिक रूप से सबका प्रयास रहेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए हम सब एक बड़ी आनंदम की यात्रा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और ये आनंदम की यात्रा हमें सबको आनंद देगी। तो कहते हैं आज जो हमने टॉपिक जो चूज किया है वो है ब्लड प्रेशर। इस भाग दौड़ की जिंदगी में ये तमाम सारी चीजें चल रही है, इसमें ब्लड प्रेशर उतार चढ़ाव, रक्तचाप जो है ऊपर नीचे होना स्वाभाविक रूप से हो सकता है, लेकिन हमें कैसे मॉनिटर करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कैसे नापा जाना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर ये हम सब कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए चलो शुरुआत करते हैं, सब एक बार मुस्कुराएं और मुस्कुराएंगे तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आएगा। इसलिए कहते हैं मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया आपकी हो जाती है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। और निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा विभाग पर ऊपर वाले की मेहरबानी है, उनकी प्रेरणा से, परमपिता प्रेरणा से हमारी सेक्रेटरी महोदय को प्रेरणा मिली और वो प्रेरणा की धारा हम तक पहुंची और हम सबको आनंद दी। तो आज शुरुआत करते हैं, हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट वन इज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड हमारे पास में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। इन दोनों की सहायता से हम ब्लड प्रेशर को इजिली नाप सकते हैं। ये प्रैक्टिकल हम लास्ट में बताएंगे, पहले हमें एग्जाम में क्या लिखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैं राजेंद्र सिंह शेखावत आज जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में अभी दो इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे, दिस इज द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और ये सेकेंड वन इज ए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ अपन देख रहे हैं कि 120, 87 और 91 ये डिजिट्स लिखी हुई है, तो बड़ा आसान इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ सिस्टोलिक, डिस्टोलिक एंड पल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा ब्लड प्रेशर है जो ऊपर वाला है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है
और जो नीचे वाला है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, और 91 ये हमारी पल्स रेट को इंडिकेट करता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। द ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच योर बॉडी फ्लोज अराउंड योर ब्लड फ्लोज अराउंड योर बॉडी। बहुत आसान भाषा में अगर इसको कहा जाए तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप वह दबाव है जिसकी वजह से शरीर के चारों ओर ब्लड को हृदय से पंप किया जाता है। ये हमारा जो हृदय है ये बार बार सिकुड़ता और फैलता है। जब हमारा ये हृदय जो है एक फिस्ट हमारे मुट्ठी के बराबर है, और ये मुट्ठी के बराबर होने की वजह से क्या है, जब ये मुट्ठी खुलती है तो हमारा ये हृदय रेस्ट पोजीशन में होता है। इस वक्त हमारे में हार्ट में ब्लड आता है, और जब मुट्ठी बंद होती है तो ये प्रेशर से बाहर निकलता है। जब मुट्ठी बंद है तो इसका मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जब रेस्ट पोजीशन में तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, और ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है तो केवल ऑक्सीजन सेल्स को नहीं देता बल्कि एक एनर्जी भी देता है, प्रोटीन्स भी देता है, सबकी पूर्ति करते हैं सेल्स के अंदर। और जो ऑक्सीजन सेल्स को मिलती है वापस वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर हार्ट में आने के बाद में लंग्स से ऑक्सीजन के बाद में उसका प्योरिफिकेशन होता है। तो दो तरह की हमारे पास में ये आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। तो आर्टरी जो प्योर ब्लड को ले जाती है, वेन्स जो हमारे इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। तो ये सारा सर्कुलेशन सिस्टम होता है। लेकिन अब ये प्रेशर इम्पैक्ट कैसे होता है, अब ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसके मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध होती है। वो फैट्स हो सकता है, ये हमारे पास जो धमनियां हैं जो आर्टरीज वेन से सिकुड़ जाती है जिसकी वजह से ब्लड के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो इस ब्लड प्रेशर को अपन को नापना होता है। तो एक हमारे पास में नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया कि रक्तचाप मापी की अप्रत्यक्ष विधि का वर्णन कीजिए, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर। दो तरह की मेथड्स हैं हमारे पास में, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर की टेबल पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है और वो डायरेक्ट आपका ब्लड प्रेशर जब मेजर करता है, दैट नॉन इज ए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर। लेकिन जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और आईसीयू में अगर कोई है और उसके पीछे एक मॉनिटर होता है, दैट नॉन इज ए बेड साइड मॉनिटर, वहां कंटिन्यूस लगातार एक ब्लड प्रेशर आता रहता है, दैट नॉन इज ए डायरेक्ट मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर। तो एग्जाम में रिपीट होता रहते हैं क्वेश्चंस, कभी इनडायरेक्ट मेथड कभी डायरेक्ट मेथड। तो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगेन 2017 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक्सप्लेन द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो हम समझ सकते हैं 2016 में पूछा गया, अगेन 17 में पूछा गया, और इस तरह से रिपीट करते करते 2018 में भी पूछा गया कि रक्त चाप की मापक की अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में डिफरेंस तो अभी अपन बता चुके हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या अंतर होते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे जीवन के इंपॉर्टेंट है, ये तीनों है। अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को मापा कैसे जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज ए साइफोमोनोमीटर। ये साइफोमोनोमीटर है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ में स्पाइगोमोनोमीटर है, इसकी सहायता से ब्लड को नापा जा सकता है। अब ये होता कैसा है, ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट अपने दिखाए रखे, एक तो ये हमारे पास में एनलॉग मीटर है, यहाँ 0 से लेकर लगभग 280 तक की रीडिंग स्पष्ट रूप से दिखाई देती रहती है। और ये यहाँ पर एक मरकरी जो है, मरकरी ये जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, लगभग 40 से अबव है। इस तरह से ये जब अपन प्रेशर मेजर करेंगे तो एक रीडिंग आएगी वो 140। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर जब मेजर किया जाता है तो लगभग 80 के आसपास एक बार रखते हैं, फिर धीरे 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 इस मरकरी को नीचे लाया जाता है, और जहां हमको पहली साउंड सुनाई दे उस रीडिंग को रोंट कर दी जाती है, और वो रीडिंग जो होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये हमारे पास डिजिटल में ये एडवांटेज है हमारे पास में, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायरेक्ट रीडिंग दे देता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक अपने दोनों हाथों में से राइट और लेफ्ट में से लेफ्ट हाथ में स्कार्फ को पहनना है और उसको टाइटली बांध देना है, और उसके बाद में एक बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस बटन को प्रेस करना है, तुरंत डिस्प्ले पर यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पर कितना है,
80 के आसपास जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगेन द पल्स रेट 60, इस तरह से सारी रीडिंग्स यहाँ पर हमको अवेलेबल हो जाती है। तो ये बहुत आसानी से ब्लड प्रेशर को अपन मेजर कर सकते हैं। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हो गए, डिजिटल और एनालॉग। जो डिजिटल है वो ऑटोमेटेड बीपी इंस्ट्रूमेंट भी कहलाता है, और साइफोगोनोमीटर जो है ये हमारे पास में। तो दोनों की रीडिंग में जहां तक डॉक्टर्स प्रिफेर करते हैं वो एनालॉग मल्टीमीटर को यूज करते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है डिजिटल में, लेकिन लगभग सेम सी रीडिंग आती है, इसलिए दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके कितने पार्ट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में तीन तरह के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज ए स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर्स लोग गले में लगा के रखते हैं, दैट नोन एज स्टेथोस्कोप, ये साउंड को सुनने के काम में आता है। सेकेंड अपने पास है मोनोमीटर, रक्त दाब मापी, एंड लास्ट इज ए कफ, ये एक अपने पास में एक रबर की थैली में कपड़ा लगा हुआ है। इस तरह से तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले स्टेथोस्कोप फॉर लिसनिंग टू द साउंड। स्टेथोस्कोप किस काम में आता है, आवाज को सुनने के लिए। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे हैं, जो बाड़मेर जैसलमेर पाली बहुत दूर है, जो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्टेथोस्कोप परिसरावेक रोगी के रक्त संचार की दशा के परीक्षण करने का उपकरण है, ये साउंड को आपको सुनाई देगा। सेकेंड हमारे पास में मोनोमीटर, ए प्रेशर मीटर फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर इन द कफ, जो भी अपने पास में कफ में जो प्रेशर है उसके एक मोनोमीटर है दाब मापी, इसकी सहायता से अपन इजीली इस इंस्ट्रूमेंट को समझ सकते हैं, रक्त दाब मापी। और हवा का दबाव नापने वाला यंत्र है जिसको मोनोमीटर या दाब मापी भी कहते हैं, मोनोमीटर या दाब मापी। और थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट का अपना पार्ट है वो हमारे पास में है, वो स्टेथोस्कोप। तो ये थर्ड जो पार्ट हमारे पास में है, कफ, द कफ दैट कैन बी इन्फ्लेटेड विद एयर, जो हवा के साथ फुलाया जा सकता है। जैसे एक तकिया होता है अपने पास में जो सफर में हम काम में लेते हैं, बस वैसा ही अपने पास में ये कफ होता है जिसको अपन एक रबर बल्ब की सहायता से धीरे धीरे पंपिंग के साथ में इसको फुलाया जाता है, जो कि हमारे हाथ पर प्रेशर इंपैक्ट करने के काम में आता है। अब देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। जैसा हम बता चुके हैं कि अभी अभी दो तरह के ब्लड प्रेशर, टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। फर्स्ट वन इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेफर टू द प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज पंपिंग। बिल्कुल ये समझ के चले जैसे हमारी मुट्ठी बंद है, और बंद मुट्ठी की वजह से जो मुट्ठी के अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर से सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है, वो प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगेन सेकेंड इज ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इज द प्रेशर इनसाइड योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट इज रेस्टिंग बिटवीन द बीट्स। जब हमारी मुट्ठी खुल चुकी है इस वक्त इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आता है, और ये जब मेजर किया जाता है बीट्स के डिफरेंस के बीच में, दैट नॉन ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हिंदी में जब अपन बात करेंगे तो रक्तचाप दो प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक और चापमापी, धमनियों के अंदर ये आर्टरीज और वेंस की बात करें इनको सबको धमनियां कहा जाता है और संदर्भित है, इसका हृदय को पंप करता है। डायलोस्टिक दबाव के अंदर धमनियां अंदर का दबाव और दिल धड़कों के बीच आराम, ये है। अब अपन देखते हैं, ये अभी अपन बात कर रहे थे एक मुट्ठी की, ये बंद मुट्ठी जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाला जो प्रेशर है दैट नॉन इज ए, और एक खुले वाला खुला हाथ है अपने पास में। तो एक में हमारा हाथ बंद है, एक में खुला हुआ है, ये जो बंद हाथ है दैट नॉन इज ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हार्ट मान के चले अपने पास में। और जब हमारा हाथ खुला हुआ है रेस्ट पोजिशन पे, इसका मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बच्चे आराम से इसको जब देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और ऐसा लिखते हैं तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है तुम सबको। अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं कि हार्ट हमारे जो है वो हमारे पास में चार चैम्बर में बटा हुआ हमारे पास में हार्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है। यहाँ जब ये हार्ट में यहाँ दोनों साइड से जब प्रेशर होता है
तो ब्लड बाहर की तरफ निकलना होता है, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक 120। एंड जब हमारा हार्ट रेस्ट पोजिशन में होता है तो ये ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है, ये ब्लड अंदर की तरफ आ रहा है, दैट नॉन इज ए डायस्टोलिक 80। तो ये 120 और 80 है क्या चीज है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है 120 और 80। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg पारे का दबाव है, एंड डायस्टोलिक दबाव को 80 mmHg कहलाता है। तो एक जो स्वस्थ आदमी होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, जो स्वस्थ आदमी है, जो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठता है, गहरी सांस लेता है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, नियमित भोजन करता है, टाइम पे सो जाता है, तो उसका निश्चित रूप से वो ब्लड प्रेशर 120-80 होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स लोग इसमें प्लस माइनस 25% एज को भी ऐड करते हैं। मान लो एक नॉर्मल आदमी है जो 40 साल का है, ऐसे 40 साल के व्यक्ति उसका 25% 10 हो गया, तो 120 से अगर 130 भी अगर होती है तो वो उसका कोई गोली लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वस्थ है। तो प्लस माइनस करके इस तरह से अपन ब्लड प्रेशर को जान सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब हमें देखना है कि अभी भी हमने कहा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, इसके अंदर ब्लड देख रहे हैं कि बाहर की तरफ निकल रहा है, अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो दैट नॉन जस्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और मेजर प्रेशर एज द हार्ट इज बीटिंग, जब पंपिंग कर रहा है तो बाहर की तरफ निकल रहा है, दैट नॉन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऐसे ही अपने पास में जब हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो अंदर की तरफ आ रहा है, ये दोनों तरफ से और तीन, तो हमारे पास में मेजरिंग द प्रेशर व्हाइल द हार्ट इन रेस्ट बिटवीन द बीटिंग, दैट नॉन इज ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एग्जाम में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ में अगर इस वेव फॉर्म को बना दी जाए तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, और जब छोटे शॉर्ट आंसर्स में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस वेव फॉर्म से अगर डायग्राम होगा तो एग्जामिनर के लिए बहुत सहूलियत होगी और बच्चे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। तो हमें यहाँ प्रेशर और टाइम के बीच के अंदर ये ग्राफ जरूर बनाना चाहिए एग्जाम की कॉपी में। अब बात करते हैं इस ब्लड प्रेशर को नापते कैसे हैं, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। सबसे पहले हमारे पास में लेफ्ट हैंड में ये जो काफ दिखाई दे रहा है जो हवा से फुलाया जा सकता है, इसको बहुत टाइटली अपने हाथ के चारों तरफ बांध देना है। यहाँ पर ये स्टेथोस्कोप पोजीशन रखते हैं, यहाँ पर एक आर्टरी होती है जिसका नाम है ब्राचियल आर्टरीज, उस स्टेथोस्कोप को उस पोजीशन पर रखना है अपने पास में, और यहाँ हाथ में एक नॉब लगी हुई है, इस नॉब को ऊपर की तरफ एक टाइट करना है, और प्रेशर से जब इसको पंप किया जाता है और ये बल्ब को जब पंप करेंगे तो धीरे 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 ये प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, और जहां इंक्रीज होते 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 एक पोजीशन पे आने के बाद में अब हम इसको वापस वाल्व को धीरे धीरे रिलीज करेंगे। रिलीज करते वक्त एक साउंड सुनाई देगी, जब हमें पहली साउंड सुनाई दे उस वक्त हमें रीडिंग को बहुत धैर्य के साथ में नोट करनी है, और जो रीडिंग होगी वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। फिर धीरे 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 टक 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 साउंड आती रहेगी, धीरे धीरे ध्वनि मध्यम हो जाएगी और धीरे कम होती जाएगी और एक बार गायब हो जाएगी। जहां आवाज चली जाती है उस पोजीशन को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आइए समझते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं, चार स्टेप्स में इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास में, द फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हमारे पास में, एक ये हमारे पास आर्टरीज है जो ब्राचियल आर्टरीज कहलाती है, तो यहाँ पर हमने काफ को बांधा था तो इस जगह हमें स्टेथोस्कोप को रखना है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ये कफ जो है इसको रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर, इसको हवा के साथ फुलाना है ताकि दबाव हो जाए और ऊपर का ब्लड यहाँ रुक जाए। कुछ देर के लिए रखेंगे, फिर अपन जब इसको रिलीज करेंगे तो ये ब्लड चलना शुरू होगा, बस ये चलने की वजह से ही आवाज आती है, और आर्टरीज क्लोज हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्रेशर के साथ में रबर के साथ में फुला दिया। प्रेशर ऑफ द काफ अबाउ लगभग 120 से लेके 160 170 के आसपास रखा जा सकता है। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, प्रेशर काफ बिलो, जैसे ही हम रीडिंग नोट करते करते आएंगे यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो मरकरी है यहाँ पर हमको फर्स्ट आवाज सुनाई दे रही है, और जैसे ही आवाज सुनाई दे रही है साउंड ऑडियोबल इन स्टेथोस्कोप लगाने के बाद में, ये स्टेथोस्कोप लगाया और जैसे ही हमें आवाज सुनाई दी
इस रीडिंग को तुरंत प्रभाव से नोट कर लेते हैं और दैट इज 120। नेक्स्ट स्टेप 4, ये आवाज कंटिन्यूस समय सुनाई देगी। बिफोर रीडिंग 120 ऑब्लिक से प्रेशर का बिलो द 70, धीरे 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 आवाज एक पोजिशन ऐसी आएगी जब ये आवाज आना बंद हो जाएगी, और वो आवाज आना जब बंद होगी उस रीडिंग को हमको नोट करना है, दैट टोन इज ए डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा जो है ये एग्जाम में इस डायग्राम को बनाएं, वेव फॉर्म को बनाएं, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के समझाना, 100% आने वाले क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन से। अगेन एक बार देखते हैं वापस, एक आदमी का ये दिखाया यहाँ पर, ये अपने पास में ये लेफ्ट हैंड है, ये आर्टरीज है, यहाँ स्टेथोस्कोप को रखना है, और यहाँ पर अगेन ये बल्ब है, इसकी सहायता से ये मैनोमीटर साइफोमैनोमीटर है, इसके साथ में मैनोमीटर के साथ में रीडिंग नोट करते जा रहे हैं। अभी तक हमें पास कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही है, और जैसे ही फर्स्ट साउंड हमको, जैसे साउंड हियर आर्टरीज ओपन एंड क्लोज, तुरंत सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखेंगे 120 के आसपास में, लगातार आवाज आती है रही है और यहाँ आवाज आना बंद हो गई है, दैट ऑन इज ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज 80। तो इस तरह से हमारे पास में ये रीडिंग लेना बहुत आसान हो जाएगा हमारे पास में। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने हैं जीवन में, हमें स्वस्थ शरीर रखना है, वो फैक्टर्स है अपने पास में। सबसे पहले तो हमारे अगर कोई ना कोई रोग होगा, डिजीज होगी, तो निश्चित रूप से हम ब्लड प्रेशर के शिकार होने की संभावना रहती है। हमारे कंधे में यहाँ और गर्दन के पीछे सिर में एकदम पेन होने लगता है, ऐसा लगता है सर फटने लगेगा। एज भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओल्ड एज में जाके ब्लड प्रेशर धीरे 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 लो ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, और उसके बाद में हेरिडिटी, अनुवांशिकता, ये हमारे जीवन में हेरिडिटी जो है हमारे पैतृक परिवार के गुणों के अकॉर्डिंग हेरिडिटी की वजह से भी हमें ब्लड प्रेशर जो है हो सकता है। देन ब्लड वॉल्यूम, हमारा खून गाढ़ा है पतला है, इस पे भी डिपेंड करता है बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट, जो हम रात दिन खा रहे हैं इसकी वजह से हमें फैट कंटेंट्स हमारे बॉडी में बहुत जा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बहुत जा रहा है, बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त जो चीजें हैं सब्जियां खा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास में हमारे वेट को इंक्रीज करता है, डाइट को इंक्रीज करता है। थोड़ा सा पहली बार प्रयास से एक दिन पूर्व कुछ ऐसी तैयारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हो, तो आप देखिए अब हमारा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डाइट भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कौन सी चीज खानी है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। अगेन नेक्स्ट है हमारे हार्मोन्स, ये अगर इनबैलेंस होते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बनने की संभावना होती है। अगेन हमारे पास में सफेद चीज, साल्ट, शुगर, फैट्स, ये जो अपने पास में बहुत ज्यादा ये सारी चीजें, ये सारे के सारे पॉइंट है, जैसे साल्ट है अपने पास में, शुगर है, घी है, कैफीन, ये सब चीजें मिला के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अपने पास चाय कॉफी लगातार पीते रहते हैं, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकती है। ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर चारों तरफ अभी अपन देखते हैं, प्रकृति में एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और मन के बार बार बहुत ज्यादा टीवी देखने से, बहुत ज्यादा विचार करने से भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे अपन साइकोलॉजिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, तनाव, आज के जीवन में तनाव बहुत बड़ा कारण है। इस तनाव की वजह से छोटी छोटी बातें से लेके हम जीवन में अपने आप को, दूसरों की गलतियों की सजा अपने आप को देने लग जाते हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं, और ये क्रोध की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। गलती सामने वाला करता है, सजा हम अपने आप को देते हैं, और सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर की गोली लेते रहते हैं। ऐसे हम जो ड्रग्स गोली लेते हैं, किसी भी नशा अगर वगैरह कर रहे हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और लास्ट, धूम्रपान हो या शराब हो, अल्कोहल हो, ये सब के सारे फैक्टर्स हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी रखनी है हमको। और ब्लड प्रेशर की ये सारे एग्जाम्स में जो बच्चे लिखेंगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं हमें इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे करते हैं। एक
छोटा सा अपन देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है। तो मेरे पास में ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, एक हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमारे पास कफ है, सबसे पहले स्टेथोस्कोप को देखते हैं जो डॉक्टर्स लेके घूमते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डायफ्राम है, ये इस डायफ्राम को सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ कान पर इस तरह से लगा लेना है। इस पे कान पे लगाने के बाद में यह डायफ्राम को धीरे धीरे टच करना है। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे अभी कोई इको साउंड नहीं सुनाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ एक लॉकिंग सिस्टम है, इसको मुझे थोड़ा सा घुमाना है। अब मैंने इसको घुमा दिया है, टिल्ट कर दिया है, तो ये लॉक खुल चुका है। अब मुझे धीरे से इसको टच करके देखना है, अब मुझे इको साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट अब तैयार है, अब कोई भी साउंड को सुनने के लिए रेडी है। अब इंस्ट्रूमेंट को, ये मेरा जो है लेफ्ट साइड का हाथ है, यहाँ प्राचील आर्टरीज है और यहाँ पर इसको यहाँ पर अपन को रखना है। लेकिन रखने से पहले हमको एक रबर जो है, एक थैली नुमा, एक ये थैली जो कफ कहलाती है, इसके अंदर हवा भरी जा सकती है। इसके लिए, हवा भरने के लिए हमारे पास में एक रबर बल्ब है। इसके रबर बल्ब में देखेंगे हम, इस रबर बल्ब में एक नॉब लगी हुई है। इस नॉब को हमको क्या करना है कि ऊपर की तरफ घुमाना है, ऐसे ऊपर की तरफ लगातार घुमाते घुमाते एक पोजीशन ऐसा आएगी जब ये लॉक हो जाएगा। और जैसे ही ये लॉक होगा, अब ये रेडी हो चुका है। अब हमें क्या है, इसको बांधना है। और बांधने के लिए हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वाला थोड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ। इसको इसको यहाँ इस तरह से लगा लिया जाता है, और इसको यहाँ लगाने के बाद में इसको टाइटली बांध दें। जैसे ही हमने टाइटली बांध दिया इसको, अब हमें ये रबर की सहायता से धीरे 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 इसको पुश करते जाएंगे, और ऐसे ऐसे हमारे पास पुश लगातार होती जाएगी। ये दबाव जो है, यहाँ रीडिंग आती जाएगी लगातार। और रीडिंग को कब तक लेना है, 180 के पोजीशन तक मरकरी को लेके जाना है। और वहां ले जाने के बाद में इस नॉब को धीरे 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 अपनी साइड में, पहले हमने ऊपर की तरफ टाइट किया था, अब बहुत स्लोली स्लोली दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगी। ऐसा अपना इंस्ट्रूमेंट घर में होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में हमारे माता पिता बुजुर्ग सब लोग हैं, और ब्लड प्रेशर सबका चेक करते रहना चाहिए, तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और इसको धीरे 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 जब इसको नीचे लाते जाएंगे तो एक पोजिशन ऐसी आ जाएगी हमारे पास में जहाँ हमको पहली आवाज सुनाई देगी। बस वहां थोड़े धैर्य से इसकी रीडिंग को नोट करना है, और उसे हमें लिख लेना है कि पहली आवाज 120 के आसपास आई या 130 के आसपास आई, तो उस रीडिंग को नोट कर दें और वहां लिखें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब वो आवाज आपको धीरे धीरे और रिलीज करते जाएंगे, वो आवाज टक 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 टक, और जहां डिसअपियर हो जाए, आवाज गायब हो जाए, बस वहां उस जगह थोड़ी सी देर रुकें और आवाज सुनने की कोशिश करें। अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, अब उस रीडिंग को नोट कर दें, दैट नॉन इज ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारे पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरह के ब्लड प्रेशर हमने कर लिए हैं। तो ये दोनों तरह के ब्लड प्रेशर हम इसकी सहायता से करते हैं। तो तीन इंस्ट्रूमेंट अपने पास में, एक तो इंस्ट्रूमेंट हो गया अपने पास में जिससे दाब मापी है, एक हमारे पास में स्टेथोस्कोप से, और एक हमारे पास कफ है। इन दोनों की सहायता से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, और ऐसा हमारा एक प्रयास रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करें। एक पहला प्रयास है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि हमारा पहला अच्छा कदम सही डायरेक्शन में होता है तो परमात्मा हमारा साथ देता है। और इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों से, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत अच्छा सार्थक प्रयास करके बहुत सारे लेक्चर्स अपने अनुभव के साथ में ई लेक्चर्स ऑन TTC जोधपुर चैनल पर डाल दिए हैं। वहाँ पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आंसर सहित डाल दिए हैं, तो आप एक बार उनको धैर्य के साथ देखें। सब राजस्थान के उच्च स्तर के जो ज्ञान से ओतप्रोत ऐसे प्रवक्तागण हैं, उनका लाभ लें, और ऐसा हम सब कुछ कर पाएंगे तो हमारा ये यात्रा आनंदम की तरफ होगी। इसलिए कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं भाई, पर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, और ये मिसाल तब बनेगी जब हम सब मिलकर उस आनंदम यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। और आज इस निर्विघ्न ये ई लेक्चर्स हुआ है, सब मैं पहले उस परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी कृपा से ये सब कुछ हो पाया है। हमारे सेक्रेटरी महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने ऐसी सत प्रेरणा दी कि हम सब लोग आनंदम की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, और ये पड़ाव सबका जीवन का आनंदम यात्रा की तरफ होगा।
और मैं हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब अनिल अग्रवाल साहब का और सब उच्च अधिकारी का और विशेष तौर से हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्री सैयद मशकूर अली साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं 2 मिनट उनकी प्रेरणा से उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे भी एक बार आए, तो प्लीज आप भी एक बार मशहूर साहब अपनी बात को रखें। राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ मैडम नमस्कार। मैं सबसे पहले निदेशक महोदय का धन्यवाद देता हूँ कि वो इसके अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ ये बड़ी साथ में सभी प्रधानाचार्य महोदय भी, कई प्रधानाचार्य महोदय इस लेक्चर से जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में राजेंद्र जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथ में विद्यार्थियों और कई कॉलेजों के देख रहा हूँ मैं नाम, अगर थोड़ा सा अगर जिक्र करूँ मैं थोड़ा सा, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ धन्वेश्वर, अर्चना मैडम जीपीसी झालावाड़ से जुड़े हुए हैं, जीएस वर्मा जी जुड़े हुए हैं, दरिया सिंह जी डायरेक्टर साहब जुड़े हुए हैं, यश बहुत गौतम बड़ा परिवार हो गया हमारा, यश गौतम झालावाड़ से जुड़े हुए हैं, हर सोनी जी राजस्थान का परिवार हमारा परिवार हो गया है, इस तरह से सब बच्चे हमारे जुड़े हो गए हैं साथ में, बड़ी आनंद की बात है। देव्यांश जुड़े हुए हैं, सिमरन, राजवीर, खुशी, उषा किरण जी जुड़ी हुई है, ऋषभ जी हैं, ज्योति, अभिषेक, विनोद, नीतीश और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर का लाभ उठा रहे हैं। और ये एक जाहिर सी बात है एक मंत्री मुख्यमंत्री महोदय का और तकनीकी शिक्षा मंत्री और हमारे जो तकनीकी शिक्षा सेक्रेटरी मैडम है और उसके साथ अग्रवाल साहब और निदेशक महोदय, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमें इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया। और अब हम इस पत्थर को जब उछाला है तो होप फॉर द बेस्ट, विद्यार्थियों के हित के अंदर हम आगे इस कार्य को और भी अच्छे तरीके से करते रहेंगे, जो कमियां हैं वो हम थोड़ा सा उसके अंदर सुधार करेंगे और भविष्य में अच्छे से अच्छा कार्य करके विद्यार्थी हित के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कि इस मौके पे मैडम दो सब जरूरते हैं। हाँ मैडम निवेदन, नमस्ते मैडम। नमस्ते शेखावत सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस प्रयास के लिए और पूरा अपना विभाग, तकनीकी शिक्षा मंत्री, सचिव मैडम, ज्वाइंट सेक्रेटरी मैडम, डायरेक्टर साहब, आपके प्रिंसिपल, आप एंड पूरा पूरे राजस्थान का जो स्टाफ इस नोबल कॉज के लिए प्रयास कर रहा है वो निश्चय रूप से सराहनीय है। बिल्कुल हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से सर। हाँ हाँ बहुत खुशी बात है। सर बहुत बहुत आपको सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, एसएम अली सर को बहुत बहुत बधाई, डायरेक्टर साहब को बहुत बधाई सर, और आप लोगों के सर इन प्रयासों को देख के हम लोग सीख रहे हैं सर। हाँ सर आपको बहुत बहुत बधाई। अपन ने जो 21 मार्च को अभियान शुरू किया था, सीएम साहब ने कॉलेजेस को लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन हमारा ई पॉलिटेक्निक उसी दिन से शुरू हो गया ई लेक्चर के माध्यम से, और आज हम सेकंड स्टेज पर हैं जब आप ई क्लास जो है अरेंज कर रहे हैं, बच्चों से डायरेक्ट जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये पॉलिटेक्निक के इतिहास में, पूरे भारत के सारे राज्यों के पॉलिटेक्निकों के इतिहास में एक नया माइलस्टोन जो है राजस्थान ने बनाया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी मैडम से अभी बीच में बातचीत हुई, उस बीच थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो मैंने उनको कहा, वो बहुत खुश थी, वो कह रही थी कि सभी को जो है मेरे तरफ से बधाई दो, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो साथी पीछे हैं टेक्नोलॉजिकली उनको भी समझाओ ये टेक्निक और उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और वो अपने काम धंधे में लगें यहाँ से पास आउट होके। तो आप सभी को जो है पॉलिटेक्निक के जो हीरोज हैं वो बनाने का एक नया तरीका आप इजाद कर रहे हैं, ये तकनीक शिक्षा राजस्थान के इतिहास में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा ये आपका प्रयास। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। डायरेक्टर साहब आपने सेक्रेटरी मैडम के जो भाव है हम सबको बधाई दी है, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो आपने आनंदम की यात्रा पर हम ले जाने के लिए हमको प्रेरणा दी है, हम प्रयास करेंगे अपना पूरा तन मन से पूरा सहयोग करते हुए बच्चों के हित में कुछ भी कर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।